उसके बाद बच्चों आपकी आती है एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 में आपके जितने भी प्रश्न हैं वो मैंने जो आपको चित्र के द्वारा कार्तीय तल के विषय में बताया, जितने चतुर्थांश रेखा इन सब के विषय में बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो 3.2 में बच्चों पहला आपका क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना है, हमको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा को नाम बताइए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कार्तीय तल होता है इसमें दो रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज होती है, दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। जो क्षैतिज होती है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं। तो आपके जो दो रेखाएं हैं उनके नाम क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, यानी ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके द्वारा जो तल बन रहे हैं उनके नाम बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो एक दूसरे से ये इस पूरे तल को चार भागों में बांटती हैं, जिसको मैंने प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के विषय में बताया कहा है। तो ये जो तल है ये इसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि जो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, तो उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि उस बिंदु के नाम बताइए जहाँ से ये दो रेखाएँ प्रतिच्छेदित होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं, उस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं और इसका निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, 0, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में एक चित्र बना हुआ है, उसके द्वारा हमको सभी बिंदुओं के जो भी प्रश्न में पूछ रहे हैं उनके निर्देशांक बताने हैं तथा जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं उनके बिंदुओं को पहचानना है। तो सबसे पहले आपका क्या पूछ रहा है इसमें कि चित्र को देखकर बिंदु के निर्देशांक को लिखिए, या तो उसके द्वारा निर्देशांक द्वारा प्रदर्शित बिंदु को पहचानिए। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि बिंदु B के निर्देशांक को बताइए। तो आप अपने चित्र में देखिए कि बिंदु B कहाँ है। बिंदु B जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। और B जो है वो x अक्ष पे -5 है और y अक्ष पे कितना है, 2 है। यानी इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसमें x का मान -5 है और y का 2 है। यानी बिंदु B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 और 2 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका पूछ रहा है कि बिंदु C के निर्देशांक बताइए। अब आप देखिए कि बिंदु C कहाँ है। बिंदु C इस तल में चौथे चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु C इस तल के चौथे चतुर्थांश में स्थित है। अब बिंदु C आपका x पे जो है वो +5 दर्शा रहा है और y रेखा पर -5 को छू रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान इसमें 5 है और y का मान -5 है। इसलिए बिंदु C के निर्देशांक 5 और -5 होंगे। बिंदु C के निर्देशांक 5 और -5 होंगे। उसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 और -5 किस बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम देखेंगे कि x अक्ष पे आपका -3 कहाँ है और y अक्ष पे -5।
यानी दोनों साइन क्या है, माइनस माइनस है, या ये आएंगे आपके तीसरे चतुर्थांश में, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश का जो साइन होता है वो क्या होता है, माइनस माइनस का होता है। तो एक्स एच पे आप देखोगे माइनस तीन ई को छू रहा है और वाई एक्स पे माइनस पाँच ई को छू रहा है, यानी माइनस तीन और माइनस पाँच द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, ई है। माइनस तीन और माइनस पाँच के द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। उसके बाद चौथे क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि दो और माइनस चार, इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, यानी इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस आपके चौथे चतुर्थांश में स्थित होता है, तो हम चौथे चतुर्थांश में आ जाएंगे। इसमें आपका एक्स अक्ष पे एक्स का मान दो है, यानी एक्स अक्ष पे आप दो देखिए, दो, और वाई अक्ष पे माइनस चार। इसके द्वारा जो हमको बिंदु मिल रहा है वो क्या है, जी है, यानी दो और माइनस चार द्वारा पहचाना गया बिंदु आपका जी है। उसके बाद आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डी का भुज क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निर्देशांक में जो एक्स होता है उसको हम भुज कोटि कहते हैं, और जो वाई होता है उसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, यानी एक्स के मान को, सॉरी, एक्स के मान को भुज कहते हैं तथा वाई के मान को हम कोटि कहते हैं। एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि आपका डी का भुज क्या है, यानी डी पे आपका भुज यानी एक्स का मान कितना है। तो डी बिंदु आपका जो है वो एक्स रेखा पे किसको छू रहा है, सिक्स को छू रहा है, यानी डी का मान कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, यानी डी का भुज कितना है, सिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि बिंदु एच की कोटि क्या है। कोटि यानी वाई का मान, कोटि जो होता है वो वाई के मान को प्रदर्शित करता है। अब हम देखेंगे कि बिंदु एच कहाँ है। बिंदु एच कहाँ स्थित है, आपके तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश के जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं। तो इसमें हमको कोटि पूछ रहा है, यानी वाई का मान पूछ रहा है। तो हम देखेंगे कि बिंदु एच वाई को किस अंक पे छूता है। तो वो बिंदु वाई, सॉरी, एच बिंदु वाई को माइनस थ्री पर छू रहा है, यानी इसके कोटि का मान क्या हो जाएगा, माइनस थ्री। एच बिंदु के कोटि का मान माइनस थ्री होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिंदु L के निर्देशांक बताइए, यानी हमको बिंदु L के X और Y दोनों के मान पूछ रहे हैं कि इस पे X का मान कितना होगा और Y का मान कितना होगा। अब आपको देखना है कि बिंदु L कहाँ स्थित है। आप अपने चित्र में देखिए कि बिंदु L जो है वो Y रेखा पर पाँच पर स्थित है। दिखा आपको, एल बिंदु जो है वाई रेखा पे पाँच नंबर पे स्थित है, यानी वहाँ पे वाई का मान कुछ भी नहीं है। तो हम वहाँ पे वाई का मान कितना लेंगे, ज़ीरो लेंगे, क्योंकि वो क्या है, रेखा पर ही स्थित है। तो वाई का मान तो है लेकिन एक्स का मान नहीं है, इसके लिए एक्स का मान ज़ीरो हो जाएगा और वाई का मान इस पर पाँच हो जाएगा, क्योंकि वो पाँच पर ही स्थित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदु L के जो निर्देशांक है उसमें X का मान 0 और Y का मान 5 है, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 और 5। फिर उसके बाद के क्वेश्चन में पूछता है कि बिंदु M के निर्देशांक कितने हैं। अब आप देखिए कि बिंदु M कहाँ स्थित है। बिंदु M जो है वो आपके चित्र में एक्स डैश रेखा पर माइनस तीन पर स्थित है। बिंदु M एक्स डैश रेखा पर माइनस तीन पर स्थित है। जिस प्रकार से L में X का मान जीरो था, उसी प्रकार से M में Y का मान जीरो होगा, क्योंकि इस पे X का मान माइनस थ्री है लेकिन Y के लिए कोई रेखा नहीं दिखाई गई है। तो इस पे क्या हो जाएगा, आपका X का मान तो माइनस तीन हो जाएगा लेकिन Y का मान क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक को हम माइनस थ्री और जीरो से निर्देशित करेंगे।
यानी बिंदु M का जो निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा, 0 और -3। इस प्रकार से आपका 3.2 चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप कर लीजिए, उसके बाद मैं तीसरा चैप्टर आपको समझाती हूँ।